नमस्कार, ओम शांति। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव और पिताश्री ब्रह्म बाबा के संपूर्णता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ और मुबारकबाद। मित्रों, इस वर्ष माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय मीडिया अभियान शुरू किया जा रहा है 21 जनवरी से, और मैं एशिया के प्रथम मीडिया विश्वविद्यालय की तरफ से मैं इस अभियान के लिए अपना पूरा सहयोग का आश्वासन देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर ये अभियान शुरू किया जा रहा है। समाधान परक पत्रकारिता, ये भारत के विकास के लिए, भारत के प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत में पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में और उसके पश्चात नए भारत के निर्माण में अदा की है। कुछ अपवाद जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां अपवाद नहीं रहा है? मीडिया समाज को प्रतिबिंबित करता है, इसी समाज से मीडिया भी निकली है। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी विचारधाराओं के प्रभाव से हम लोग समस्या को हमेशा केंद्र में रखकर ही हमने कोई भी काम किया है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि हम 75 साल की आजादी के बाद भी हम समस्याओं की ही चर्चा करते हैं, चाहे वो गरीबी हो, जहालत हो, कुपोषण हो, किसी भी विषय को लेकर। आज भी 75 साल पहले जो चर्चाएं होती थी वही आज भी होती है। आखिरकार समाधान क्या है? समस्या हो तो समाधान भी होना चाहिए, और ये जो एक समाजवादी सोच के तहत सोवियत संघ, चीन एवं पूर्वी यूरोप के मुल्कों में, जहां सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली गई कि सरकार ही मनुष्य के, नागरिक के जीवन के हर गतिविधि को नियमित करेगा, इस सोच से हटकर हमारे जो इतिहास में हम देखेंगे, हमारे संस्कृति में, तो हमारा हमेशा समाज पोषित रहा है। यहां तक कि जो गुरुकुल परंपरा हमारी रही है वो कभी राज्य शासन ने कभी नहीं चलाई है, राजा महाराजाओं ने कभी नहीं चलाई है, ये सब समाज पोषित रही है। समाज जो गुरुकुल को समर्थन देती थी और अपने बच्चों को वहां भेजते थे उनका शिक्षा दीक्षा के लिए, और उनका शिक्षा दीक्षा होता, सरकार का काम यह नहीं होता था। लेकिन हमने एक पश्चिमी विचारधारा के तहत सरकार पर ही पूरी तरह आम नागरिक का निर्भरता हर विषय को लेकर हमने देखा, और उसका नतीजा हुआ कि हमको लगने लगा है कि पिछले कई वर्षों से हम हर समस्या के लिए हम समाधान सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार करेगी। मेरे मोहल्ले में अगर कूड़ा करकट है तो वो भी सरकार साफ करेगी, नगर पालिका साफ करेगी, मैं अपने घर से कूड़ा उठा के बाहर फेंकूंगा, हमारी नदियां हो, जल स्रोत हो, उसको मैं खराब करूंगा, सफाई का जिम्मेदारी सरकार की है। इसी प्रकार
जीवन के हर क्षेत्र में हमने सारा जिम्मेदारी, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुई हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, हमने सब कुछ सरकारों पर छोड़ दिया है। इसलिए हमने अपने स्वयं के समाधान ढूंढना वो कार्य हमने छोड़ दिया। हम गांव में भी कोई समस्या होते हैं तो हम दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली से इसका समाधान आएगा। हमारे समस्याओं का समाधान, हमें स्थानीय समाधान ढूंढने की बात हो रही है, पूरे विश्व में लोकल की बात हो रही है, ग्लोकल की बात हो रही है। एक तरफ ग्लोबल दृष्टिकोण भी हो, साथ में लोकल एप्लीकेशन भी हो। इसलिए समाधान समस्या में से ही ढूंढना है, और जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं उन्हीं में से ढूंढना है। अब 5 सितारा होटलों में बैठकर आप किसी एक जिले में कुपोषण की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। आपको उस जिले में स्थानीय स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, वहां की चुनौतियों को देखते हुए हम कह देंगे कि दूध को भेजिए, क्या वहां रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी है क्या? इस तरफ दवाइयों को लेकर हो, किसी भी विषय को लेकर हो, हमको यह देखना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर उसके समाधान क्या है। क्या उत्तराखंड के समस्याओं का समाधान केरल का समाधान हो सकता है क्या, या महाराष्ट्र के समस्याओं का समाधान क्या हम असम में ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं, हमको इसलिए समाधान ढूंढना होगा तो स्थानीय समुदाय को, समाज को जोड़ना होगा। यह बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं हम पत्रकारिता में भी इस कमी को महसूस कर रहे हैं, जहां आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होते हैं लेकिन समाधान निष्कर्ष पर पहुंचने की बात बहुत कम होता है। टेलीविजन में आए दिन बहस आपको सुन, जिनका जन सरोकार से कुछ लेना देना नहीं है, जनता जनार्दन से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे विषयों को लेकर किसी ने किसी से क्या कहा, किसी ने किसी को क्या कहा, ये आरोप प्रत्यारोप और इस पर बहसबाजी, एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना और अंत में कोलाहल के सिवा कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। निष्कर्ष क्या है? अगर कोई चर्चा होती है, विमर्श होता है, तो उसका कोई निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। वो निष्कर्ष क्या? वही पत्रकारिता में कहीं ना कहीं हम समस्याओं की चर्चा ना करें, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि समस्याओं का चर्चा करें लेकिन समाधान ढूंढने का प्रयास भी करें। अगर क्षेत्रीय, आज कई स्वयंसेवी संगठन, हजारों लाखों लोग आज दिन रात कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से पूरे देश भर में, जिनमें हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें और भाई भी हैं। इस तरह कई हजारों स्वयंसेवी संस्थाएं दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, गांव में, पहाड़ी इलाकों में काम कर रहे हैं और समाज के बीच में, समुदायों के बीच में काम कर कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। वो सरकारों पर निर्भर नहीं है, चाहे वो एकल विद्यालय जैसे प्रकल्प हो, चाहे वो सिलाई मशीन से जो है महिलाओं को सशक्तिकरण करने का प्रयास हो। ये इस तरह के प्रयास पर आज हम सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। समस्या प्रदर्शन धरने, ये भी अपनी जगह एक लोकतंत्र में जिसका कहीं ना कहीं स्थान है, लेकिन समाधान 138 करोड़ की आबादी में, समाधान भी हमें इसी समाज से निकालना है और इस दिशा में हमारे मीडिया को भी काम करने की आवश्यकता है। मात्र समस्या केंद्रित से नहीं, समाधान परक होकर, आज पश्चिम में भी सॉल्यूशन जर्नलिज्म की बात होती है, हमें उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस अखिल भारतीय मीडिया कैंपेन के तहत जो बैठकें हो रही है माउंट आबू और अन्य स्थलों में, वहां पत्रकार आपस में विचार विमर्श कर एक रास्ता निकालेंगे। आप सबको पुनः गणतंत्रता दिवस की
और आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, ओम शांति।